बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं उन तालिबे इल्मों के लिए बना रहा हूँ जो कहते हैं कि हम इंग्लिश में बड़े वीक हैं। देखिए, इंग्लिश जो है अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में आप देख लें कि अगर आप 2 क्लास में हैं तब भी आपको इंग्लिश जो है वो ज़रूरी है। अगर आप MA तक चले जाते हैं तो इंग्लिश जो है आपके लिए ज़रूरी होती है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता, और सॉरी टू से कुछ टीचर्स को भी वो नहीं आता, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली वर्ड्स जो है ना इंग्लिश के, उनको 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अज़ाई कलाम वो 8 हैं। वी कैन से दैट words are divided into different 8 categories and these are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. I am repeating again, आप याद कर लें इनको अच्छी तरह। noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। इनको याद करना दोस्तों इंतहाई आसान है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो अच्छी तरह पढ़ाते नहीं बच्चों को और बच्चे जो हैं इनको इजीली याद नहीं कर सकते। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप इनके नाम याद कर लें। नाउन, प्रोनाउन, ये देखें ये दोनों एक जैसे नाम है, नाउन प्रोनाउन, और फिर वर्ब एडवर्ब 4, उसके बाद एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। These all are 8 parts of speech. हमारी जो पूरी English language है ये इन्हीं 8 parts of speech के गिर्द घूमती है, लेकिन unfortunately हमारे जो teachers हैं वो बच्चों को इनके बारे में बताते ही नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको अपनी videos में बिल्कुल आपको clear कर दूंगा कि parts of speech होते क्या हैं और उनकी कितनी importance है English language में। इस में हम सिर्फ noun को discuss करेंगे। ये बड़ा vast topic है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसके लिए हमें कम से कम 15 से 20 वीडियोस बनाना पड़ेंगी। तो मेरी ये पहली वीडियो है और मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों तक इंग्लिश लैंग्वेज को घर बैठे पहुंचाया जा सके। इस पे आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना है, उसके बाद जो है मेरी वीडियोज जो है इजिली आपको मिलती रहेंगी। तो हम अब अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था, नाउन। नाउन बेटा किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये आप इंग्लिश में डेफिनेशन याद कर लें या आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहा जा सकता है। आप देखें हमारे इर्द गिर्द जो है लाखों चीजें हैं, लाखों जो है लड़के हैं, लाखों लड़कियां हैं, सबके नाम है, वो सारे नाउन है। अगर सपोज आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज नाउन और आपको पता ही नहीं होता कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो आज मैंने आपको सबसे सादा डेफिनेशन बताई है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब बेटा नाउन को आगे डिफरेंट 5 जो इसकी किस्में हैं उसमें तकसीम किया गया है। सबसे पहली जो काइंड है नाउन की वो है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब आम, ये तो सबको पता है। अगर हम उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखें, इसको इसमें नकरा कहा जाता है, यानी कि किसी भी शख्स, जगह या चीज का जो नाम है वो कॉमन नाउन है। इसमें आप देख लें बॉय, गर्ल, कंट्री, प्रोविंस, रिवर, सिटी, मॉस्क, स्कूल, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स यू कैन गिव ऑफ कॉमन नाउन। तो इसके बाद दूसरी जो काइंड है वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन जो है इसमें मार्फा, उर्दू में है इसमें मार्फा, यानी कि किसी भी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन में आप देखें कि पहले हमने बोला बॉय, बॉय कॉमन नाउन है। जब भी आपने कहीं पे बॉय लिखना है तो बी आप छोटा लिखोगे, लेकिन जब आपका किसी बॉय का नाम आ जाएगा सपोज सरफराज, तो एस जो है आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। तो यू शुड रिमेम्बर दैट व्हेन यू राइट अ प्रॉपर नाउन वी स्टार्ट अ प्रॉपर नाउन विद कैपिटल लेटर। तो यही खसूसियत होती है प्रॉपर नाउन की कि प्रॉपर नाउन जहां पे भी लिखा जाता है उसका पहला जो स्पेलिंग है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है, और कॉमन नाउन का पहला जो है वो स्मॉल होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन।
इन दोनों की पहचान बेटा ये है कि कॉमन जो है वो आम होता है, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ बॉय, तो आप सब लोग बॉयज हो, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने किस लड़के को कहा है। जब स्पेसिफिक की बात आती है, मैं कहता हूँ असलम, तो असलम जो है वो प्रॉपर है, क्योंकि सारे असलम नहीं हो सकते आप लोग। अगर असलम एक से ज्यादा भी होंगे तो उनकी भी पहचान होगी, उनकी शक्लें अलहदा से होंगी, तो फिर भी उनकी स्पेसिफिकेशन होगी। असलम का ए हमेशा आपने बड़ा लिखना है। तो ये जो है बेटा दो काइंड्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। और इंशाल्लाह इससे अगली जो वीडियो हमारी होगी उसमें मैं आपको कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में बताऊंगा, जो कि तीन अलहदा से शाखें हैं इसकी। तो इसमें आज के लिए आपके लिए इतना सा लेसन है कि आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को पहचानना सीखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, आपने देखना है अपने इर्द गिर्द चीजों को, फिर आपने देखना है कि ये कॉमन है या प्रॉपर है। सपोज अगर आपसे कोई पूछता है कि स्कूल, तो देखें आप स्कूल कोई भी प्रॉपर नहीं हो सकता, कोई भी स्कूल हो सकता है दुनिया का, लेकिन जब कोई आपको कहता है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल या केपीएस स्कूल या ब्रिटिश स्कूल, सिटी स्कूल, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो कुछ चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं और उनके बारे में हमें पता नहीं चलता। जैसे जब अगर किसी खास किस्म की चीज के बारे में बात हो रही हो, किसी खास इदारे के बारे में बात हो रही हो, तो उसका पहला जो है वो बड़ा आएगा। तो कॉमन नाउन का पहला स्पेलिंग छोटा आता है, हमेशा कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है और प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो ये मेरी वीडियो बेटा आपके लिए काफी है कॉमन और प्रॉपर नाउन को समझाने के लिए। इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो गौर से सुनी तो फिर आपको कभी भी कॉमन और प्रॉपर नाउन को पहचानने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकॉन आएगा उसको दबाएं, तो इंशाल्लाह हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे वो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद जो मेरी वीडियोस आएंगी वो टेंसेस पे और मिस्टर चिप्स पे होंगी। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें। थैंक्स।